वेलकम बैक टू शेफर्स एडुकेशन और मैं आपका दोस्त आपका मेंटोर सीए मोहित तापड़िया। आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो स्पेसिफिकली मैंने गुजरात बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए बनाया है, राइट, स्पेसिफिकली फॉर 12th गुजरात बोर्ड। अब ये टॉपिक पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा मेरा काम करना पड़ेगा, राइट। मैंने आपके लिए बहुत काम कर रखा है बट वो काम आप तक पहुंचाना मुझे है। मैंने इसके लिए नोट्स बनाए हैं, हैंड रिटन नोट्स है, टाइप नोट्स है। अगर आप चाहते हो कि आपको हमारे नोट्स मिले, आप चाहते हो हमारे नोट्स लेना, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ साथ में अगर आप चाहते हो कि आपको मेरे से और भी कुछ भी पूछना है या कोई और तरह की मदद चाहिए या कुछ और तरह के मेरे नोट्स आपको चाहिए तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। सो आपको ये सब करना पड़ेगा जिससे मेरे पूरे हार्डवर्क को मैं आप तक पहुंचा सकूं। मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, इतने सारे नोट्स आपके लिए बना रहा हूँ, वो सबके सब आपको मिलते रहेंगे। और प्लीज अगर आपको मजा आता रहे तो हमें कॉमेंट सेक्शन में बताते रहिए आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है, जो भी सजेशन हमें प्रोवाइड करते रहे, राइट। सो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले रहेंगे वो पूरा का पूरा टॉपिक रहेगा मनी और इन्फ्लेशन के बारे में। चलिए गाइस फिर चालू करते हैं आज के हमारे छोटे से और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। आज का आपका टॉपिक रहने वाला है ऑल अबाउट मनी एंड इन्फ्लेशन, राइट। आज हम जो पढ़ने वाले हो मनी और इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक आराम से डिस्कस करेंगे, कोई भी जल्दी नहीं है। यहाँ आपके लिए रनिंग नोट्स बनाने के लिए मटेरियल रेडी है, अगर आप चाहें तो नोटबुक पेन पेपर साथ में लेके बैठिए और लिखते रहिए सर, मजा आएगी पढ़ने में, राइट। सो हमारा सबसे पहला टॉपिक ऑफ डिस्कशन यहाँ पे रहेगा, दैट इज ऑल अबाउट बार्टर सिस्टम। अब ये बार्टर सिस्टम होता क्या है? 100% आप लोगों ने आज तक इस वर्ड के बारे में सुना तो जरूर होगा, बार्टर सिस्टम के बारे में कहीं ना कहीं पढ़ा जरूर होगा। थोड़ा डिटेल में एलोबोरेशन आज लेते हैं। बार्टर सिस्टम एक ऐसा पर्टिकुलर सिस्टम होता है जहां पे हम गुड्स और सर्विसेज के बदले गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं, मतलब जहां पे कोई भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं होता लाइक मनी, देयर इज नो मनी इन्वॉल्वड, गुड्स के बदले गुड्स जाते हैं या सर्विसेज जाती है, उसे कहा जाता है बार्टर सिस्टम। बहुत पहले बार्टर सिस्टम से सब काम होता था सर। उस जमाने में लोग कम होते थे, एक छोटा सा गांव था, गांव में 300-400 परिवार थे, हर आदमी हर परिवार के हर सज्जन को जानता था, वो गांव अपनी सारी जरूरतें खुद ही बना लेता था। भैया एक जना अनाज उगा रहा है, एक जना कपड़े खरीद के ला रहा है, एक के पास ये है, हर आदमी के पास गांव में एक काम था और वो गांव अपने आप में सेल्फ रिलायंट था, सेल्फ सफिशिएंट था, तो इसलिए बार्टर सिस्टम से अच्छा काम हो रहा था। बट ये बार्टर सिस्टम धीरे 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 खत्म होने लग गया। जैसे जैसे लाइफ में कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ी, चीजें बढ़ी, खरीदने के लिए बेचने के लिए दुनिया भर के हमारे पास ऑप्शंस हो गए, तो ये बार्टर सिस्टम हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट बनता गया, राइट। तो अब हम देखेंगे कि भाई कहां कहां ऐसी पोजिशन आई है जहां पे ये बार्टर सिस्टम हमारे लिए एक लिमिट ला दी, कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन आ गई बार्टर सिस्टम के अंदर, वो हम अभी ऑब्जर्व करेंगे, राइट इनफ। तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा व्हाट आर द बेसिक लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम, जिसमें सबसे पहला है दैट इज म्यूचुअल कंसेंट। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कहीं ना कहीं बार्टर सिस्टम में म्यूचुअल कंसेंट चाहिए। म्यूचुअल कंसेंट मतलब क्या हो गया, देखिए समझिए, इफ आई एम अ फार्मर, राइट, मैं एक फार्मर हूं, मेरे पास इस साल बहुत ज्यादा गेहूं हुआ है, राइट। अब मैं चाहता हूं कि मेरा गेहूं मैं किसी को दूं और सामने वाले से मैं चावल लूं, राइस लूं, तो सामने वाले को भी तो गेहूं की डिमांड होनी चाहिए। तो मैं गेहूं लेके चला गया कि सर लीजिए गेहूं लीजिए मुझे चावल दीजिए, बट सामने वाला बोलेगा हाँ मुझे चाहिए ही नहीं गेहूं, तो सर एक्सचेंज हो ही नहीं पाएगा। तो बार्टर सिस्टम का सबसे पहला लिमिटेशन है कि यहाँ पे म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ वॉन्ट्स का होना जरूरी है, मतलब एक समय पे एक बंदे को वो चीज देनी है तो दूसरा लेने वाला भी सामने होना चाहिए, अगर वो नहीं होगा तो बार्टर सिस्टम फेल हो जाएगा। सेकेंड लिमिटेशन स्टोरिंग वैल्यू। बार्टर सिस्टम में आप चीजों को भैया स्टोर कैसे करोगे? सर देखो एक सिंपल सी बात है, आज हमारा जमाना बहुत फ्यूचरिस्टिक हो गया है, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए आगे तक की सेविंग्स करके रखते हैं, राइट। सो वो पैसों को बचाते हैं बैंक में एफडी बना के, गोल्ड खरीद के। बार्टर सिस्टम के जमाने में आपने कैसे पैसे बचाए होंगे? इज इट पॉसिबल कि आप बोलोगे दो गाय दो भैंस मेरे बच्चों के लिए रख दो उनके बुढ़ापे में काम आएगी? नॉट पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल, राइट। सो उस जमाने में चीजों को स्टोर करना पॉसिबल नहीं हो पाता था, जो उगाया है वो खाओ खत्म करो, आप उसको फ्यूचर के लिए सिक्योर नहीं कर सकते थे। दिस वॉज द सेकेंड लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम, आप लोग को सेकेंड लिमिटेशन याद रहना चाहिए। तीसरा प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। अब यहाँ पे मेजर कैसे करोगे? सर इट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट ऑनेस्टली, मतलब हम मेजर करें तो कैसे करें? सर अगर एक पर्टिकुलर चीज समझ लो, मैंने कुछ वर्कर्स को बुलाया, राइट, मैंने उनको कहा कि भैया आप ये मेरे पास जमीन है, आपको इस जमीन पे मेरे लिए घर बनाना है, मेरे लिए बंगला बनाना है, राइट। तो वर्कर ने बोला ठीक है हम बंगला बना देंगे। अब मैं उनको डेली वेजेस देता था, तो कैसे देता था डेली वेजेस? भैया पूरे दिन काम किया वर्कर्स ने, अब शाम को मैं मुट्ठी भर भर के एक को दिया गेहूं मैंने,
गेहूं देने चालू किए, चलो भाई लो तुम्हारी आज की मजदूरी, तुम्हारी आज की मजदूरी, बराबर है। गेहूं का बोरा खत्म हो गया, दूसरे को क्या मैं वही मुट्ठी भर के चीनी दे दूं कि भाई तू चीनी ले ले। हो सकता है चीनी की डिमांड ज्यादा हो, चीनी एक्सपेंसिव हो, गेहूं बहुत सस्ता हो, मे बी पॉसिबल, राइट। सो आप कैसे मेजर करोगे कि कौन सा लेबर फायदे में रहा, जिसको गेहूं मिला वो फायदे में रहा कि जिसको शक्कर मिली वो फायदे में रहा? दिस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट वन, राइट। सो इसका तीसरा लिमिटेशन रह गया, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। ऐसे और भी बहुत सारे लिमिटेशन है, बट आपकी किताब इतने में आपको सेटिस्फाई कर देती है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ये पैसा आया कहां से भाई, व्हाट इज द बेसिक इवोल्यूशन ऑफ दीज मनी, ये सबसे पहले पैसा बना कैसे, हाउ डज दिस बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मनी केम, ये आया कैसे? आपको सुनने में बड़ा मजा आएगा, बट ऑनेस्ट बात बताता हूं, सबसे पहले पैसा नहीं था, सबसे पहले थे एनिमल्स। एनिमल्स वेर द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यस ऑनेस्टली, मतलब हर आदमी एक दूसरे के पैसे, अगर आपको जानना हो पहले के जमाने में कि कौन कितना पैसे वाला है, तो उसके एनिमल्स गिनते थे। अच्छा उसके पास तो 500 गाय है, कितना पैसे वाला होगा वो, उसके पास 300 बकरी है, कितना पैसा वाला होगा वो? इन शॉर्ट एनिमल्स वेर ट्रीटेड एज वेल्थ, एनिमल्स को पैसा माना जाता था, वेल्थ माना जाता था। तो पहले पहले एनिमल्स की अदला बदली होती थी कि ये जमीन मुझे चाहिए, ठीक है तेरी 50 गाय मुझे देते, जमीन तेरी, ऐसा। तो इन शॉर्ट हम गुड्स के बदले, एसेट्स के बदले एनिमल्स को देते थे। दिस वॉज द इवोल्यूशन, यहां से पहले पैसे का कॉन्सेप्ट आया, पैसा अभी भी नहीं आया, कॉन्सेप्ट आया कि यस वी कैन टेक एनीथिंग एज ए मीडियम फॉर एक्सचेंज, जैसे उस जमाने में हो गए थे एनिमल्स। फिर एनिमल्स तो कितने होंगे भैया, एनिमल्स तो कुछ टाइम तक एनिमल्स एनिमल्स का कॉन्सेप्ट चला, फिर आने लग गए वैल्यूएबल मटेरियल्स, राइट, मिनरल्स, ये सब चीजें आ गई, सोना चांदी कॉपर ब्रोंज, इनके ट्रांजेक्शन हुआ। आपने सुना होगा हम जब पुराने सीरियल्स देखते तो सोने की अशर्फिया, चांदी की अशर्फिया, राइट, कॉपर तांबा, इन चीजों का हम लोग नॉर्मली ट्रांजेक्शन करते थे। तो ये बन गया सेकेंड स्टेज, ये आ गया सेकेंड लेवल, जहां पे हम लोग वैल्यूएबल मिनरल्स और वैल्यूएबल मटेरियल्स को हम लोग एक्सचेंज करते थे एज अ मनी, ठीक है। ये हो गया आपका सेकेंड वाला। तीसरा, फिर धीरे 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 ये सोना चांदी धीरे धीरे कॉइन्स में कन्वर्ट हुए, सिक्के बने इनके, राइट। आज भी हम वो सिक्के यूज करते हैं, बट वो मिक्स मटेरियल्स होते हैं। पहले वो सिक्के सच में ओरिजिनली एक पर्टिकुलर कंटेंट के बनते थे, भाई गोल्ड का सिक्का है, सिल्वर का सिक्का है, ब्रोंज का है, राइट। तो कॉइन्स का सिस्टम आया। अब कॉइन्स का सिस्टम ज्यादा दिन नहीं चला, क्यों नहीं चला, क्योंकि कॉइन्स को कैरी करना बहुत टफ था, राइट। किसी को अगर 100 रुपए देने हैं आज के जमाने में तो थैली भर के सिक्के ले जाना कितना टफ होता, राइट। और दूसरा, कॉइन्स बनाना भी बहुत एक्सपेंसिव था, मटेरियल्स बहुत बहुत रेयर थे यार, कहां से लाओगे रोज इतना सोना, रोज इतना चांदी, रोज इतना तांबा कॉपर ब्रोंज, कहां से लाओगे डेली इतना, राइट। सो इन शॉर्ट इनका मटेरियल भी बहुत कम था, इसलिए ये जो कॉइन वाला काम है वो बहुत बहुत कम टाइम तक चला। बट उसके बाद में आया पेपर नोट। सर पेपर नोट ने बहुत लंबी जर्नी, बहुत बहुत लंबी जर्नी निभाई है। पेपर नोट जो आपके हाथ में थे, 10 के नोट, 20 के नोट, 50 के, आज भी हम उसे यूज करते हैं, राइट। ये जो लेटेस्ट है भी पेपर नोट्स, पेपर नोट्स ने बहुत लंबा टाइम चलाया है, क्योंकि सर बहुत सारी सिंपल सी बात है, पेपर नोट प्रिंट करना बहुत चीप होता है, दूसरा कैरी करना बहुत लाइट होता है, 100 का, 200 का, 500 का, 1000 का, इतने सारे नोट आते हैं हमारे पास, इन्हें कैरी करना बहुत सिंपल होता है, इसलिए पेपर नोट बहुत टाइम तक चला, बहुत टाइम तक लोगों ने पेपर नोट को फॉलो किया। बट अब नए नए करेंसीज आए, नेक्स्ट आपके पास आने लग गया, दैट इज बैंक मनी। अब बैंक मनी क्या होता है, अब इट्स नॉट पॉसिबल कि यार हर बार मैं पेपर कैरी करूं, नोट्स कैरी करूं, बहुत डिफिकल्ट हो गया था करेंसी कैरी करना, राइट। चोरी होने का डर, बहुत सारे और भी हमारे मन में फियर रहते थे। तो हमने क्या किया, हमने हमारे पैसों को बैंक में डिपॉजिट किया, राइट, और उन पैसों को अब हम ट्रांजैक्ट करते चेक के थ्रू। अच्छा तुझे देने कितने देने, 2 लाख रुपए ले भाई, 2 लाख का चेक, डन, राइट। सो इन शॉर्ट हमने फिर बैंक मनी क्रिएट किया, चेक के थ्रू, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू हम लोगों ने बैंक मनी बनाना स्टार्ट आउट कर दिया था। अब जमाना पूरा बदल गया, पूरी की पूरी, पूरा का पूरा टाइम चेंज हो रहा है सर। अब आगे प्लास्टिक कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, राइट। हम डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पूरा ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, हमें कहीं कहीं जाने की जरूरत है। मैं किसी दुकान में गया, सर मुझे ये फोन पसंद है, मुझे ये फोन चाहिए, ठीक है सर 50,000 का फोन है, ओके डन, ये लीजिए कार्ड, उसने कार्ड स्वाइप किया, मैंने पिन डाला, टन पेमेंट डन, वेरी क्विक, राइट। सो एक छोटा सा प्लास्टिक कार्ड लाखों करोड़ों रुपए अंदर कैरी करने की कैपेसिटी रखता है। अभी तो आपको आपके भी थोड़े लिमिटेड है, आगे जमाना और बढ़ गया है, राइट। ई वॉलेट्स आ गए हैं, पेटीएम, कोई भी पर्टिकुलर, मोबिक्विक, राइट, फ्री चार्ज, देर आर डिफरेंट, अमेजोन, देर आर डिफरेंट डिफरेंट ई वॉलेट्स, जिनके थ्रू अब आपको क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की भी जरूरत नहीं, आपका मोबाइल फोन आपका भगवान हो गया भैया, जाओ वहां पे टैप करो, पेमेंट करो, डन, राइट। सो ई वॉलेट आ गया है, जमाना और आगे बढ़ रहा है, राइट। थंब इंप्रेशन से पेमेंट होने वाला है, आप किसी शॉप में जाओगे, थंब लगाओगे, पेमेंट डन, आपके अकाउंट से पैसा निकलेगा, उसके अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा, राइट। सो दिस इज द इवोल्यूशन ऑफ मनी। पैसा बहुत 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 पुराने जमाने से
एनिमल से ट्रांजेक्ट करना चालू किया है और आज आ गया है प्लास्टिक कार्ड ई वॉलेट्स पे। आगे भी इसके बहुत सारे फेसेस आने वाले हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट इवोल्यूशन ऑफ मनी। सो अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं हमारी मेन डेफिनेशन के साथ में, दैट इज व्हाट इज बेसिकली मनी। पैसा बेसिकली क्या होता है, चलो भाड़ में जाने देते हैं डेफिनेशन, पहले कॉमन सेंस से समझो भाई मनी होता क्या है। मनी इज बेसिकली द ट्रस्ट ऑफ पीपल। आप अगर किसी कागज के टुकड़े पे भरोसा कर रहे हैं तो वो बन गया है मनी, राइट। सो डेफिनेशन फिर भी आपको एग्जाम में यही लिखनी पड़ेगी, मनी की डेफिनेशन याद करेंगे, दैट मनी इज दैट मीडियम व्हिच इज यूज्ड एज एन मींस ऑफ एक्सचेंज विदाउट एनी डाउट और इन्वेस्टिगेशन रिगार्डलेस ऑफ टाइम और प्लेस। एक मनी एक पर्टिकुलरली ऐसा मीन्स ऑफ एक्सचेंज होता है जिसको हम कहीं पे भी जाकर ट्रांजेक्शन में यूज कर सकते हैं और कोई पैसे को ना नहीं करेगा। आप कहीं पे भी जाओ करेंसी लेके जाओगे, दे विल प्रोवाइड दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। हाँ ठीक है, कंट्री के बाहर जाओगे तो आपको उस कंट्री की करेंसी लेनी पड़ेगी, बट विद इन इंडिया गांधी जी वैलिड है भैया। कहीं पे भी जाओ गांधी जी का आज भी पूरा वट मेंटेन्ड है, राइट। सो आपकी करेंसी कहीं पे भी चलेगी, दिस इज बेसिकली मनी। सो मनी इज जस्ट अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, राइट एनफ। सो अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज द बेसिक फंक्शंस ऑफ मनी। इस मनी के फंक्शंस क्या है, ऑनेस्टली बहुत सारी किताबों में अलग अलग जवाब होंगे, राइट। बट आपके सिलेबस में तीन ही बेसिक फंक्शन बताया, राइट, जो मैंने यहाँ पे तीनों आपको कैटेगराइज करके दिया है। सबसे पहला हो गया एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, पैसा अदला बदली के काम में आता है, एक्सचेंज के काम में आता है। कहीं पे भी जाओ पैसा दो, सामने वाला आपको कमोडिटी देगा। आपको किसी को कमोडिटी बेचना है, पैसा लो कमोडिटी दे दो, आप भी चलेगा। सो मनी एक बेसिकली वैल्यू बन गया, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गया। आप कहीं पे भी जाके पैसे के थ्रू कोई भी चीज खरीद बेच सकते हो। सो ये हो गया सबसे पहला फंक्शन मनी का, दैट इज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सेकंड, स्टोर ऑफ वैल्यू, ये सबसे बढ़िया काम का है, राइट। अब हम चाहे जितना पैसा अपने फ्यूचर के लिए, या तो अपने फ्यूचर के लिए या अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए हम सेव कर सकते हैं, राइट, क्योंकि मनी को स्टोर करना पॉसिबल है। मनी सड़ता नहीं है, मनी मरता नहीं है, मनी पुराना नहीं होता है, अनलेस एंड अंटिल डिमोनेटाइजेशन आ जाए बात अलग है, बाकी पैसा कभी भी बूढ़ा नहीं होता है, पैसा हमेशा जवान रहता है, राइट एनफ। सो वी कैन स्टोर मनी, दिस इज द सेकंड फंक्शन। तिजोरियों में, बैंक में, कहीं पे भी जाके हम पैसे को स्टोर कर सकते हैं, सेकंड फंक्शन। तीसरा हो जाता है मनी इज अ मेजर ऑफ वैल्यू, पैसा हर चीज की वैल्यू बताता है, राइट। ये कमोडिटी कितने की भैया, ये शर्ट कितने का है, 1500 रुपए का, पैसे ने डिफाइन किया, राइट। आप कोई भी पर्टिकुलर चीज को पैसों से, गाड़ी कितने की भैया, 5 लाख की गाड़ी है, डन। घड़ी कितने की भैया, 20,000 की घड़ी है, डन। इन शॉर्ट एवरी पर्टिकुलर थिंग कैन बी वैल्यूड बाय मनी, याद रहेगा सबको। सो एक तरह से मनी आपको चीजों की वैल्यू डिफाइन करने में हेल्प करेगा, यस। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, व्हाट इज टाइप ऑफ मनी, भाई कितने तरह के मनी होते हैं। ये हम पहले देख चुके हैं इवोल्यूशन ऑफ मनी में, फिर भी एक बार देख लेते हैं वापस से। आपको एग्जाम में बाय चांस पूछे तो आपको याद रहना चाहिए कि टाइप्स ऑफ मनी में मुझे क्या क्या लिखना है। सबसे पहला कमोडिटी मनी, मैंने कहा था बाटर सिस्टम में जो होते थे कमोडिटी मनी, गेहूं के बदले चावल, चावल के बदले शक्कर, दीज ऑल आर कमोडिटीज, राइट। सो हम कमोडिटीज के बदले जो काम करते थे, कमोडिटीज जो हमारी होती थी वो हमारे लिए मनी के फॉर्म में, एक एसेट के फॉर्म में काम आती थी। सेकेंड था एनिमल मनी, मैंने बताया था एनिमल्स हमारे लिए बहुत बड़ा वेल्थ मानते थे, तो एनिमल वॉज अ फॉर्म ऑफ मनी बहुत पहले, आज की तारीख में नहीं होता इतना, राइट। नेक्स्ट इज मेटल मनी, मेटल मनी इन बेसिकली हर तरह के मेटल्स, हर मेटल की अपनी वैल्यू है, राइट। गोल्ड थोड़ा एक्सपेंसिव, सिल्वर थोड़ा चीप, कॉपर और थोड़ा चीप, राइट, बट एवरी पर्टिकुलर मेटल इज अगेन अ फॉर्म ऑफ मनी। नेक्स्ट इज पेपर मनी, पेपर मनी आपके हाथ में जो है कागज के नोट जो होते हैं 100 के, 50 के, 500 के, दीज ऑल आर पेपर मनी। आफ्टर दैट प्लास्टिक मनी, डेबिट कार्ड्स एंड क्रेडिट कार्ड्स, एंड द लास्ट वन इज बैंकिंग मनी, चेक्स वगैरह जो हम बैंक से इशू करते हैं, दीज ऑल आर टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी, याद रहेंगे आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। सो नाउ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये एक तरह से हमारे चैप्टर का सेकेंड पार्ट है। हम मनी पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ने जा रहे इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है, हमने बहुत बार हमारे लाइफ में ये बात सुनी होगी, भैया बहुत महंगाई आ गई है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, बहुत चीजें एक्सपेंसिव हो गई है, उसे हम बेसिकली इन्फ्लेशन मानते हैं, राइट। एक लेमैन आदमी हर चीज के भाव को इन्फ्लेशन बोलता है, बट एक इकोनॉमिस्ट नहीं बोलता है। थोड़ा बहुत भाव बढ़ना इकोनॉमी के लिए अच्छा सिंबल है, राइट। थोड़ी बहुत चीज एक्सपेंसिव होगी, इट्स गुड, इकोनॉमी इज गोइंग गुड, बट अगर एक चीज की कमोडिटी की प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, देन उसे हम इन्फ्लेशन कैटेगरी में डाल देते हैं, राइट। उसे हम मानते हैं कि भैया बहुत ज्यादा महंगाई आ गई है। सो इन्फ्लेशन बेसिकली क्या होता है, जब भी हमारे जनरल प्राइस लेवल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, राइज हो जाते हैं, उसे हम बेसिकली इन्फ्लेशन बोलते हैं। इन्फ्लेशन की डेफिनेशन बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने दी है, मैंने दो डेफिनेशन चुन के लिखी, आपको कोई भी एक डेफिनेशन याद करके एग्जाम में लिखना है। बेसिकली इन्फ्लेशन क्या हो जाता है, इन्फ्लेशन आता कहां से, डेफिनेशन में वर्ड, जब कभी भी आपकी मार्केट में कोई भी कमोडिटी की डिमांड ज्यादा हो और उस कमोडिटी की सप्लाई कम होगी, तो उसे इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली कॉज होना ही होना है। मतलब खरीदने वाले लोग बहुत बैठे हैं,
बेचने वाले लोग नहीं है तो अपने आप उस चीज के भाव बढ़ेंगे बढ़ेंगे, उस चीज के प्राइस बढ़ेगी और उसे ही कहा जाता है इन्फ्लेशन। सो ये कहा है मिस्टर एपी लर्नर ने, राइट। उन्होंने अपने डेफिनेशन में चीज को बहुत अच्छे से लिखी है दैट व्हेन अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड ओवर सप्लाई ऑफ गुड्स इज कॉल्ड अ इन्फ्लेशन, राइट इनफ, याद रहेगा सबको। इन्फ्लेशन क्या हो जाता है बेसिकली, जब डिमांड कमोडिटी की ज्यादा हो सप्लाई कम हो तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन आ जाता है। यस, सो अब हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कैसे पता चलेगा कि ये इन्फ्लेशन है, व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फ्लेशन, स्टार्टिंग विद द वेरी वेरी फर्स्ट वन। फर्स्ट इज कॉन्स्टेंट राइज इन प्राइस लेवल, हर बार लगातार धीरे 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 प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, सर इन्फ्लेशन है। दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फ्लेशन। सेकेंड, प्राइस कोई एक स्पेसिफिक जगह नहीं बढ़ रहा है, प्राइस पूरी इकोनॉमी में बढ़ रहा है, हर सेक्टर में बढ़ रहा है। सो नॉर्मली इन्फ्लेशन के कारण देयर इज प्राइस राइज इन ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। नेक्स्ट वन, हमारा परचेसिंग पावर डिक्रीज हो रहा है, मतलब कमोडिटी महंगी हो रही है, साथ साथ में हम उस कमोडिटी को अफोर्ड नहीं कर पा रहे, हमारी रियल इनकम कम हो रही है। सो ये हो जाता है तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स इन्फ्लेशन के अंदर। लास्ट वन, द राइज इन प्राइस लेवल आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट इज इन्फ्लेशन, राइट। हमने हमारे पूरे जोर लगा लिए, हमने हमारी पूरी मेहनत कर ली, पूरा पैसा कमाने की कोशिश कर ली है, फिर भी प्राइजेस बढ़ती जा रही है, हमारे कंट्रोल, हमारे परचेसिंग पावर के बाहर जा रही है, तो उसे कहा जाएगा इन्फ्लेशन, राइट। सो दीज आर फोर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 2 से 3 मार्क में पूछ सकते हैं। सो एक इंपॉर्टेंट नोट और बता देता हूं, आप जब एग्जाम में आंसर लिखो कभी कभार क्या होता है, एग्जाम में आंसर्स मोर देन रिक्वायर्ड कॉन्टेंट मांगते हैं, राइट। मतलब हमें 2 या 3 मार्क का कॉन्टेंट आ रहा है बट एग्जाम में क्वेश्चन 4 या 5 मार्क का पूछ लिया, तो आपको थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। दिस इज जस्ट एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज सप्रेस्ड इन्फ्लेशन, राइट। एग्जाम में कभी इन्फ्लेशन 4-5 मार्क में पूछ ले तो आप थोड़ा भर सको, उसके लिए मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया, सप्रेस्ड इन्फ्लेशन, या फिर कभी कभार इसको आपको अलग से 1 मार्क के डेफिनेशन में पूछ सकते हैं। अब ये होता क्या है, कभी कभार सरकार क्या करती है, सरकार इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, या तो उसे दबाती है या प्राइसेस को कंट्रोल करती है, उसे कहा जाता है सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। सो सप्रेस्ड इन्फ्लेशन में गवर्नमेंट अपने रूल्स, लॉज, अलग अलग तरह से सब्सिडीज देके किसी भी तरह से प्राइस को मार्केट में कंट्रोल कर रही है कि और महंगी चीजें नहीं होनी चाहिए, ऑलरेडी भैया बहुत भाव बढ़ गया, उसको कंट्रोल करना है हमें। सो उस तरह के इन्फ्लेशन को, उस तरह की टेक्निक को हम बोलते हैं सप्रेस्ड इन्फ्लेशन, राइट। सप्रेस्ड इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। और एक लास्ट, एक नया पॉइंट एड कर रहा हूं आपके लिए, मैंने लास्ट में लिखा है कि कभी भी शॉर्ट टाइम के लिए आने वाली चीज को इन्फ्लेशन नहीं कहा जाता है, इन्फ्लेशन बहुत परमानेंट नेचर का होता है, तो ही उसे इन्फ्लेशन बोलना है। इसलिए लास्ट लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी दैट इफ एन इकोनॉमी, कभी भी इकोनॉमी के अंदर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम इफ देयर इज एनी इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ लिमिटेड गुड्स और सर्विसेज देन दैट इज नॉट एन इन्फ्लेशन, राइट। अगर बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो उसे इन्फ्लेशन मत बोलना, क्योंकि भैया आज बढ़े हैं कोई तकलीफ की वजह से, वापस से नॉर्मल लेवल पे इकोनॉमी आ जाएगी, राइट, इसलिए उसे इन्फ्लेशन नहीं माना जाएगा। सो द लास्ट एंड फाइनल टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एग्जाम में 100% आएगा, मेरी तरफ से बाजू में नोट मार दो इस क्वेश्चन पे कि ये आने ही वाला है। आज नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है हमारा, व्हाट आर द बेसिक कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के मेन कारण क्या है, किन चीजों के कारण इन्फ्लेशन होता है। पहला तो बहुत कॉमन है, इंक्रीज इन डिमांड। जब कभी भी मार्केट में डिमांड बढ़ेगी सर इन्फ्लेशन आना ही आना है, बट पॉइंट यह है डिमांड बढ़ेगी क्यों, पैसे क्यों डिमांड बढ़ रही है। उसका सबसे पहला रीजन इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी, राइट। पैसे की सप्लाई बढ़ रही है, लोगों के पास पैसा ज्यादा है, तो जब कभी भी मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा होती है और कमोडिटीज कम होती है, मतलब इसको हम इकोनॉमिक टर्म्स में बोलते हैं मोर मनी चेजिंग फ्यू गुड्स, राइट। बहुत सारा पैसा है, गुड्स कम है, तो ऑटोमेटिकली जब बहुत कम गुड्स को ज्यादा पैसा खरीदने जाएगा तो गुड्स अपना भाव बढ़ा लेता है, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट रीजन कि इन्फ्लेशन क्यों आता है, क्योंकि मनी सप्लाई मार्केट में ज्यादा होती है। अब दूसरा रीजन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स जब ज्यादा करती है तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन आता है। इसका भी रीजन वापस से फर्स्ट पॉइंट पे कनेक्ट हो जाएगा, कॉमन सेंस है, सरकार अपने एक्सपेंडिचर्स बढ़ा रही है, मतलब गवर्नमेंट रोड्स बना रही है, ब्रिजेस बना रही है, फ्लाईओवर्स बना रही है, कंस्ट्रक्शंस कर रही है, मेट्रोस डेवलप कर रही है, राइट। सो जब गवर्नमेंट एक्सपेंसेस करेगी तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में पैसा आएगा, मनी फ्लो आएगा। कम टू पॉइंट नंबर वन, वापस से जब मनी फ्लो ज्यादा होगा तो इन्फ्लेशन आना ही आना है, राइट इनफ। सो सेकेंड पॉइंट कहीं ना कहीं फर्स्ट पॉइंट पर आप कनेक्ट कर सकते हो। एंड द लास्ट वन, ओवर पॉपुलेशन, जब ज्यादा आबादी होगी तो सर डिमांड बढ़नी ही बढ़नी है, राइट। तो जहां लोग कम है वहां डिमांड कम होगी, जहां लोग ज्यादा डिमांड ज्यादा होनी होनी है, तो दिस इज द थर्ड रीजन ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, राइट इनफ। सो ये हो गया मेरा पहला, व्हाट आर द बेसिक कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन, पहला हो गया इंक्रीज इन डिमांड, यस। सो हमारा सेकेंड पॉइंट था इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
हमारे पास टोटली चार बेसिक फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इनमें से अगर किसी का भी कॉस्ट बढ़ जाए तो कॉमन सेंस की बात है कि सेलिंग प्राइस भी बढ़नी है। फॉर एग्जाम्पल, लेबर पहले एक कमोडिटी में 70 रुपया लेता था, राइट? एक पर्टिकुलर कमोडिटी में लेबर का कॉस्ट था 70 रुपीज। अब लेबर ने स्ट्राइक कर दिया, भैया 70 में नहीं चलेगा, हमें 100 चाहिए। हमने लेबर को 100 दिया। लेबर को अगर 100 देंगे मतलब हमारी कमोडिटी 30 रुपीज महंगी हो गई है। कुछ नहीं भैया, हमें सेलिंग प्राइस 30 रुपीज ज्यादा करना पड़ेगा, राइट? है ना? सो जब कभी भी हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगा होगा, ऑटोमेटिकली फाइनल प्राइस भी महंगी होगी और मार्केट में कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन आ जाएगा। सो दिस इज द सेकेंड रीजन कि मार्केट में इन्फ्लेशन क्यों आता है, एंड दैट इज ऑल अबाउट बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सो अभी हमने जो पढ़े थे वो तो हो गए मेजर दो रीजन, राइट? इसके सिवाय और भी छोटे मोटे रीजन हो सकते हैं जिनके कारण मार्केट में इन्फ्लेशन आता है। जैसे कि सबसे एक इंपॉर्टेंट सी बात है टैक्सेशन पॉलिसीज, राइट? अगर गवर्नमेंट ने आप पे टैक्सेस बढ़ा दिए, कमोडिटीज पे टैक्सेस बढ़ा दिए, जीएसटी आ गया था अचानक से, राइट? 12% की जगह टैक्सेस हो गए 18%। तो जब कमोडिटीज पे टैक्सेस बढ़ेंगे ऑटोमेटिकली कमोडिटीज महंगी होगी, इन्फ्लेशन मार्केट में आएगा ही आएगा। अगर हमारे इंपोर्ट्स की प्राइसेस महंगी हो जाती है, हम एक पर्टिकुलर कमोडिटी को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो हम बाहर से इंपोर्ट करवाते हैं। अभी तक इंपोर्ट ड्यूटी 20% थी, गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, या हो सकता है बाहर वाली कंट्री ने कमोडिटी की प्राइसेस बढ़ा दी, तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन हमारी इकोनॉमी में आ जाएगा। एंड लास्ट, स्कैर्सिटी, राइट? जब कभी भी किसी चीज की कमी होती है, उस चीज की डिमांड आज भी कॉन्स्टेंट है बट प्रोडक्शन कम हो गया है, तो वो चीज में इन्फ्लेशन आना ही आना है, उस चीज के भाव बढ़ने ही बढ़ने, राइट? इनफ। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट आंसर, राइट? 100% आपके एग्जाम में आएगा। आज मैंने आपको पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश करवाया है, कुछ 20 मिनट में आपका पूरा चैप्टर हो गया होगा, एंड आई एम वेरी वेरी श्योर आपको इस चैप्टर में पूरा मजा आएगा अगर आप इसको स्टार्टिंग से एंडिंग तक पूरा देखेंगे। दो बार तीन बार देखो। नोट्स चाहिए तो मेरे लिंक में जाओ, आपको सब नोट्स अवेलेबल मिलेंगे। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, मैं आपको जो भी नोट्स चाहिए मैं आपको वहां पे भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, राइट? इनफ गाइस, सो दिस वॉज फॉर द डे, आई होप यू एंजॉयड द सेशन, बाय बाय। चलिए बच्चा लोग, चालू करेंगे आज हमारा नया सा सिंपल सा टॉपिक, और टॉपिक का नाम रहेगा बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसीज। मैंने पूरे टॉपिक के आपके लिए हैंड रिटन नोट्स बना के रखे हैं।